सब? अब ये मत कहना कि ये सब तुम्हारे बाबा जी ने तुमसे करने के लिए कहा। नहीं मैं तो क्या? हाँ? मैं तो सूर्य नमस्कार कर रहा था। मैं सूर्य नमस्कार? हाँ? अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं सच बता रही सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी मैं यहाँ से। लेकिन मेरी अपनी भी तो कुछ मान्यताएं है ना। मैं भी आपकी तरह एक टांग पर खड़ी हो जाऊं। तुम रुको यहीं पे। तुम्हारी ऊपर दुगनी हो जाएगी। अरे बाबा ने तो कईयों का बनाया है। क्या घर? मेरा मतलब है घर बनाया ना। बाबा पहले मजदूरी करते थे। नहीं जा। अरे यार, लेकिन अरे सुनो, वो मीरा बाबू। अच्छा, अब क्यों बाबू? बाबू जाओ ना अपने उस बाबा के पास। अच्छा सुनो, सब्जी अच्छी बनाना। जाते हो या नहीं? You know how my only कमजोरी is बाबा। Get well soon lucky। हंसी आई 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 आई। मैंने देखा है अभी तुम हंसी हो। हाँ, जो मन में आए वो करो। थैंक यू मैडम जी। नरमे की फसल की कमी कई कारणों से हो सकती है। तो फिर इस बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि हमारी इस बार की फसल तो ना के बराबर हुई है। पहला कारण ये हो सकता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी की वजह से फसलों को जमीन से कम मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है। अच्छा। और जो कीटनाशक प्रयोग हो रहे हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि कीट उनसे अधिक प्रतिरोधक हो गए हैं। एक मिनट। वहीं दूसरी तरफ नई तकनीक से बनाए हुए परिजात एग्रोकेमिकल्स बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इस कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के लिए कम विषैले हैं और कीटों पे 100% प्रभावित और उपज अधिक देने में मदद करते हैं। तो क्या आपने इस बारे में मेरे पति को कुछ बताया है? आपके पति किसी की सुनते कहाँ है? मैंने उन्हें कई बार कहा, सुनते ही नहीं। आपकी सुनते हैं तो आप ही बता दीजिए कुछ। रोज कहाँ से एक कद्दू ले आते हैं और कहते हैं ये नहीं वो दे दो, वो नहीं वो दे दो। अरे आप उनको छोड़िए, आप ये बताइए अगर मुझे इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? एक मिनट, मेरे मोबाइल में कुछ वीडियोज हैं जो आपके नरमे की फसल को और बेहतर बनाने में सहायता करेंगे। अच्छा, लाइव में इसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे वाह। अच्छा सुनो ना, वो जो रमन्ना जी है ना, वो कुछ कह रहे थे कि कम उपज के कुछ कारण हो सकते हैं। अरे उस बुड़बक को छोड़ो, उसे कुछ नहीं पता है। तुम संतरा खिलाओ ना। लेकिन तुम उनकी मदद ले सकते हो। बहुत घटता है। सुनो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो बुड़बक पैर बदल लो ना। वैसे भी तुम्हारे बाबा ने कहा होगा कि एक पैर पे खड़े रहना है, ना कि एक ही पैर पे। बदल लो। पक्का? सुनो ना। हाँ। मुझे क्या लगता है तुमको एक बार रमन्ना जी से बात करनी चाहिए। अरे वो हो जाएगा, छोड़ो ना उसे। तुम संतरा खिलाओ। नमस्ते। नरमा या कपास भारत की एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है। सन 2012-2013 में इसे 11.6 मिलियन हेक्टेयर पर उगाया गया था। कुल उत्पादन 33.4 मिलियन बेल्स हुआ था। औसत उपज 489 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी।
अंकुरण के लिए 16 डिग्री सेल्सियस का और फसल की उचित वृद्धि के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के दैनिक न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है। फलने के दौर में दिन का तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नरमाया कपास को रेतीली, क्षारीय अथवा जलमग्न प्रकार की भूमि को छोड़कर हर तरह की मिट्टी पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। अब हम नरमाया कपास उगाने के अन्य तरीके सीखेंगे। बीज उपचार। इस प्रक्रिया में हमें चाहिए पारिजात का पोलस्टार, पारिजात का जोंगा और सक्सीनिक एसिड। 15 ग्राम पोलस्टार, 10 ग्राम जोंगा और आधे ग्राम सक्सीनिक एसिड को 5 लीटर पानी में मिलाइए। इस घोल में 5 किलोग्राम नरमाया कपास के बीजों को डुबाइए। बीजों को 2-4 घंटों तक भिगोया जाना चाहिए। बीज उपचार से पौधे बेहतर तरीके से जमते हैं, जल्द वृद्धि होती है और फसल कीटों के हमलों से बची रहती है। बीजों को 67.5 सेंटीमीटर के अंतराल पे बोएं। उर्वरक प्रयोग। इस प्रक्रिया के लिए हमें चाहिए डीएपी, यूरिया, म्यूरिएट पोटैश, जिंक सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। अंतिम जुताई के साथ 27 किलोग्राम डीएपी प्रति एकड़ डालें। सभी किस्मों के लिए थिनिंग पर 60 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ और अन्य 60 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ पहला फूल आने पर डालें। यदि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम है तो यूरिया की पहली मात्रा थिनिंग के बजाय बुआई पर दी जा सकती है। उपलब्ध पोटेशियम में मिट्टी को मध्यम बनाकर 20 किलोग्राम यूरिएट पोटैश प्रति एकड़ का प्रयोग करें। हल्की मिट्टी में फसल के लिए 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट या 6.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट प्रति एकड़ का प्रयोग करें। ऊंची उपज पाने के लिए फूल लगना शुरू होने पर साप्ताहिक अंतरालों पर 2% पोटेशियम नाइट्रेट के 4 छिड़काव करें। सिंचाई। मौसमी वर्षा के आधार पर फसल को 4 से 6 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के बाद 4 से 6 सप्ताह पर सिंचाई करें और बाद की सिंचाई 2 या 3 सप्ताह के अंतरालों पर करें। फूलने और फलने की अवस्थाओं में फसल को ठीक से सींचना चाहिए, नहीं तो फूल और टिंडे बड़ी मात्रा में गिर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उपज कम हो जाएगी। स्थिर पानी को निकाल दें। बचपन में मैं बहुत तेज था, हाँ, नटखट और फुर्तीला। लोग मुझे केतन धरपकड़ कहते थे। इधर अपराधी ने अपराध करके भागना चाहा कि मैंने उसे धरपकड़ा। अच्छा? वो दहाड़े मार मार कर रोता था, जितना वो रोता था मैं उस पर उतना ही हंसता था। बाबा तो गयो। बाबा बाबा अब मेरा क्या होगा बाबा, मेरी उपज। अच्छा एक बात बताओ, एक लंगड़ा किसान अपनी उपज कैसे बढ़ाएगा? मतलब उसकी उपज तो बड़ी हुई होगी, क्योंकि वो तो हमेशा एक पैर पे खड़ा रहता है। क्या हूँ बोलो। एक लंगड़े किसान की उपज पता है क्यों बड़ी होगी? क्योंकि उसने ना कभी शादी नहीं की होगी, और की भी होगी तो अपनी बीवी को तो तलाक दे दिया होगा। क्या कहा? कुछ नहीं बाबा, मेरा दिमाग मत खाओ, अच्छे से मालिश करो। खाने के लिए कुछ है भी जो खाऊं उसमें? देखो आवाज आ रही है। बेटा दिमाग तो बहुत था, शादी के बाद सारा तुमने खा लिया। तुम्हारा ही तो दिमाग मिला था मुझे खाने के लिए। बेटा बेटा इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ बेटा
ये मैं ही हूँ तुम्हारे बाबा। कैसे हो बेटा? बाबा कैसे हो बेटा? क्या आप सच मुझे आया बाबा? अब मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं कि मैं सच में यहाँ हूँ? मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी आवाज़ सुना सकता हूँ ना। मैं समझ गया बाबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ज़्यादा उपज का वादा किया था और मैं वो वादा पूरा करके ही यहाँ से जाऊँगा। इसीलिए तो आप हमारे परम पूजनीय बाबा जी हैं। बताइए। सबसे पहले तुम अपनी मिट्टी की जाँच करवाओ, उसमें कुछ कमी है। लेकिन लेकिन क्या जांच करवाओ बाबा। बाबा ओके इधर जाओ। इस अध्याय में हम खरपतवार नियंत्रण, रोग झुलसा और रोग पर्णदाग के बारे में सीखेंगे। खरपतवार नियंत्रण। दो या तीन बार गुड़ाई करें। पहली गुड़ाई पहली सिंचाई से पूर्व की जानी चाहिए। फसल में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण सस्ता और प्रभावी होता है। खासकर इट्सिट, मधाना या माकड़ा जैसे खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का नेपोलियन 30% ईसी। एक लीटर नेपोलियन 30% ईसी को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाएं और बुआई के 24 घंटों के अंदर फ्लैट फैन या फ्लडजेट नोजल लगे नैपसैक स्प्रेयर से एक समान रूप से छिड़काव करें। बुआई के 5-6 सप्ताह बाद उभरने वाले खरपतवारों का मुकाबला करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का ग्लाइक्लियर 41% SL या पारिजात का ढोल 71% SG। एक लीटर ग्लाइक्लियर 41% SL या 600 ग्राम ढोल 71% SG 100 लीटर पानी में मिलाएं और फसल के कतारों के बीच छिड़काव करें। ग्लाइक्लियर और ढोल अचयनशील खरपतवार नाशक हैं और फसल की पत्तियों पर गिरने से ये फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खरपतवार नाशक का पौधे के तने पर गिरना हानिकारक नहीं है। उन स्थितियों में जहां बारहमासी खरपतवार समस्या पैदा करते हैं, वहां ग्लाइक्लियर और ढोल ज्यादा प्रभावी हैं तथा लंबी अवधि का नियंत्रण देते हैं। खरपतवार नाशक से अच्छा परिणाम पाने के लिए इन सावधानियों को बरतें। बेहतर बीज सतह तैयार करें। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है और छिड़काव सुबह या शाम के समय ही करें। रोग झुलसा। पत्तियों पर पड़े घाव बारीक सीलन भरे कोणिया धब्बों के रूप में नजर आते हैं जो बाद में भूरे हो जाते हैं और फिर पत्ती के दोनों तरफ काले कोणिया बेजान घावों में बदल जाते हैं। बैक्टीरिया भी नए उभर रहे टिंडे को संक्रमित करता है और इसके कारण मध्य में छोटा गोल सीलन भरा धब्बा बन जाता है। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का पोलस्टार और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। 500 ग्राम पोलस्टार और 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाएं तथा बारिश की पहली फुहारों के ठीक बाद शुरू करते हुए 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करें। रोग पर्णदाग। इसके लक्षण पत्तियों, हरित दल तथा डेंडुओं पर उभरते हैं। रोग में गोल से लेकर अर्धगोल भूरे धब्बे होते हैं और बैंगनी रंग का चौड़ा किनारा होता है। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का पोलस्टार। 500 ग्राम पोलस्टार को 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाएं और बारिश के पहली फुहारों के बाद 15 से 20 दिनों के अंतरालों पर 3 छिड़काव दें। तुमने अपनी जमीन की जांच करवाई? हाँ बाबा। अच्छा तो अब सुनो, तुम्हारी पत्नी के मोबाइल में एक वीडियो है जिसमें फसल में कैसे वृद्धि की जाए ये सारी जानकारी उपलब्ध है। उसको उपयोग में लाओ, फिर देखो पटाक मेरा मतलब है कि क्या तेजी से तुम्हारी फसल में मुनाफा होगा। जी बाबा। मुंह तो बंद कर और जाओ जाके वीडियो देखो। चलता हूँ मैं। बाबा बाबा ओके। आज खाने में क्या बनाया? खाने में चलो। अरे नहीं लेकिन चलो चलो पहले पहले हाथ धो। देखो कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। अरे वो तो अरे तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। ठीक है जल्दी से।
क्या कर रहे हो? वो मैं सब कर लूंगी, चलो खाना लगा दिया, खाना खा लो। ये पानी क्यों लाई हो? पीने के लिए। वहीं पे पीऊंगा, चलो। अरे पानी तो पी लो। सफेद मक्खी के बारे में सीखेंगे। कीट तेला। निम्फ और व्यस्क दोनों पत्तियों का रस चूसते हैं। रस की कमी और कदाचित जहरीले तत्वों के अंदर जाने के कारण पौधों को नुकसान पहुंचता है। हमले से प्रभावित पत्तियां पीली और भूरी लाल हो जाती हैं। रंग में आए बदलाव के साथ पत्तियां नीचे की ओर झुक जाती हैं और अंततः झड़ जाती हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का नगारा 17.8% SL और पारिजात का जोंगा 25% WG। 100 मिलीलीटर नगारा 17.8% SL या 100 ग्राम जोंगा 25% WG को 125 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से मिलाएं और हाथ से चलाए जाने वाले नैपसैक स्प्रेयर से खड़ी फसल पर छिड़कें। कीट सफेद मक्खी। व्यस्क और निम्फ पत्तियों से रस चूस लेते हैं और पत्तियों पर शहद की बूंदें उत्सर्जित करते हैं जो चिपचिपी बन जाती हैं। प्रभावित पत्तियां और बीज कपास कालिख बनने के कारण काले हो जाते हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का मॉटेल 5% SC और पारिजात का सर्वोत्तम 20% SP। 500 ग्राम मॉटेल 5% SC के साथ 100 ग्राम सर्वोत्तम 20% SP को 125 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से मिलाएं और हाथ से चलाए जाने वाले नैपसैक स्प्रेयर से फसल पर छिड़कें। कीट चूर्णा। चूर्णा पतले से और पीले भूरे रंग के होते हैं। निम्फ और व्यस्क चूर्णा पत्तियों की सतह के उत्कणों को चीर देते हैं और उनसे निकलने वाले रस पर जीवित रहते हैं। इससे प्रभावित पत्तियां मुड़ जाती हैं और सुनहरे भूरे रंग में बदल जाती हैं। अगर संक्रमण गंभीर हो तो बीज से उगे पौधे की पत्तियां सूख सकती हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का मॉटेल 5% SC और पारिजात का जोंगा 25% WG। 500 ग्राम मॉटेल 5% SC या 100 ग्राम जोंगा 25% WG को 125 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से मिलाएं और हाथ से चलाए जाने वाले नैपसैक स्प्रेयर से प्रभावित फसल पर छिड़कें। मैंने सुना है कि ये थ्रिप्स को मारने के लिए हमें परिजात के मोर्टिन एससी का इस्तेमाल करना चाहिए। मोर्टिन नहीं, मोर्टल एससी। वही मोर्टल एससी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है क्या ये? जी हाँ, बिल्कुल सच है। ये लोग लगभग 25 सालों से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं जी। और इतने नहीं, लगभग 60 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। 60 देश? तब तो काफी महंगा होगा ये। बिल्कुल नहीं, बल्कि किफायती है। और इतना ही नहीं, कुछ उत्पाद तो ऐसे हैं जो ना सिर्फ कीटों को मारते हैं बल्कि पैदावार भी बढ़ाते हैं। तो आप मुझे 2 बोतल दे दीजिए। 2 बोतल बड़े या छोटे? बड़े। ये रही आपकी 2 बोतल। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अच्छा, एक बात कहनी थी आपसे। ये मैं कद्दू लेकर आता हूँ ना, ये मेरी बीवी को मत बताया कीजिए। नमस्कार। इस अध्याय में हम कीट माहू, कीट शुंडी और कीट मिलीबग के बारे में सीखेंगे। कीट माहू। माहू छिटपुट ढंग से उभरते हैं। माहू के निम्फ और व्यस्क रस चूस लेते हैं और पत्तियों पर शहद की बूंदें उत्सर्जित करते हैं जिस पर काली फफूंदी उभरती है। डंठल, गांठों, फूलों, कलियों, परिपक्व टिंडे तथा पत्तियां भी गिरती हैं और पौधे की बढ़ोतरी में रुकावट आ जाती है। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का नगारा 70.8% SL और पारिजात का जोंगा 25% WG। 100 मिलीलीटर नगारा 70.8 SL या 100 ग्राम जोंगा 25% WG को 125 लीटर पानी में मिलाएं और प्रति एकड़ के हिसाब से
हाथ से चलाए जाने वाले नैपसैक स्प्रेयर से प्रभावित फसल पर छिड़कें। कीट शुंडी। चितकबरी, गुलाबी और अमेरिकन शुंडी मौसम के दौरान देर से फसल पर हमला करते हैं। इन शुंडियों के हमले के कारण फूल और टिंडे गिर सकते हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का किंग कार्प 14.5% SC या पारिजात शत्रुजीत। 200 मिलीलीटर पारिजात किंग कार्प 14.5% SC या 800 ग्राम पारिजात शत्रुजीत को 125 लीटर पानी में प्रति एकड़ के दर से मिलाएं और हाथ से चलाए जाने वाले नैपसैक स्प्रेयर से फसल पर छिड़कें। नरमा या कपास की खेती के हर मौसम में किंग कार्प और शत्रुजीत का उपयोग अदल बदल कर करना चाहिए। कीट मिलीबग। मिलीबग कोमल शरीर वाले कीट होते हैं जिनका शरीर ऊपर से ढेर सारी मिली सफेद मोम से ढका होता है। ये सफेद फ्लफी कलियों, तनों, फलों और जड़ों पर जमा हो जाते हैं। ये पत्तियों और कलियों से रस चूस लेते हैं। इससे पत्तियों का आकार खराब हो जाता है, पौधे सूखने लगते हैं और उनका विकास थम जाता है। शहद की बूंदों के कारण चींटियां आने लगती हैं। इसका नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए पारिजात का राना। 500 मिलीलीटर राना को 125 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाएं और हाथ से चलाए जाने वाले नैपसैक स्प्रेयर से इसका छिड़काव करें। उपयुक्त जानकारी। कीटनाशकों के लेबल पर विषैलेपन का स्तर छपा होता है और उनमें से कुछ कीटनाशकों के लेबल पर लाल त्रिकोण छपा होता है। ये पर्यावरण और मानव जाति के लिए अत्यंत हानिकारक है, लेकिन पारिजात एग्रोकेमिकल्स पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं और उन पे पीला, नीला या हरा त्रिकोण छपा होता है। वाह, इस बार गांव में सबसे ज्यादा फसल, मानो कि पूरी भरपूर फसल हुई है। इस बार तो बारिश हुई है, बारिश। ये परिजात के प्रोडक्ट्स ने भी ना कमाल का परिणाम दिया, कुछ तो बात है इनमें। और अब तो झुमका भी आ जाएगा मीरा के लिए। क्या अब अपना राज खोल दिया जाए? ऐसा करने का सोचना भी मत, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अरे वो तो मेरा हुकुम का इक्का है, अब तू दे। पच्चीस साल से 60 देशों में प्रसिद्ध पारिजात कीटनाशक का वादा, भरपूर फसल, मुनाफा ज्यादा। बेटा। बाबा।